नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। जैसे कि उड़िया भाषा में लिखा गया मालिका, मालिका में लिखा गया है बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं के बारे में, धार्मिक संस्थान, उनके विचारधारा और उनके आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का क्या रहेगा दिशा, इस विषय में मालिका क्या देता है प्रमाण। उड़िया भाषा में लिखा गया है मालिका, किताबों की मालाएं, ग्रंथों की मालाएं जिसको कहते हैं मालिका, और भविष्य पर लिखा गया जो ग्रंथों की मालाएं हैं इसको हम कहते हैं भविष्य मालिका। तो फिर बहुत सारे जो आध्यात्मिक संस्थान हैं उनका क्या रहेगा विचारधारा, कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या प्रमाण देता है बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थान, उनका रोल क्या रहेगा खास करके इस कलयुग के अंतिम कालखंड के दौरान। तो हमारे साथ जुड़े हैं निरंकार मिशन के वरिष्ठ भक्त जो सुदूर कुवैत में रहते हैं, अभी उड़ीसा दौर पर आए हैं, उनके साथ हम बात करेंगे खास करके क्या है मिशन का विचारधारा। आपको स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि खास करके मिशन का ये जो विचारधारा क्या कहता है एक्चुअली में। सबसे पहले दास सतगुरु के चरणों में ध्यान रख के नतमस्तक करता है, देखने वाले सबके चरणों में दास का नमस्कार, और धन निरंकार जो भी है निरंकारी भक्त देख रहे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार, और जितने भी माड़िका भक्त है उनके भी चरणों में नमस्कार भी करता है और जय जगन्नाथ भी कहता है दास। जी बिल्कुल, जय जगन्नाथ। क्यों, देखिए जितने भी भक्ति करते हैं सबको सबकी भक्ति परवान होता है, ऐसी बात नहीं है। जब तक आप देखिए आप भक्ति कर रहे हैं आप ये समझ लेना कि भगवान परवान करते हैं तभी आप भक्ति करते हैं, नहीं तो भक्ति कोई इंसान चाह के नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है दास से ये कहेगा, सबसे पहले भक्ति हमारी शुरू कहाँ होगी, हम भक्ति करते हैं किसको है और भक्ति करते हैं किस लिए है, किसको करते हैं और किस लिए करते हैं, ये देखना चाहिए। भक्ति जब भक्त वास्तविक भक्त जब भक्ति करता है उसके मन में कोई ऐसे लालसा नहीं रहता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहता है, स्वार्थ नहीं रहता है। कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो केवल एक निराकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ के और सतगुरु के हुकुम में चलता है। जो समय के सतगुरु है जिन्होंने कि ये परमात्मा का साक्षात्कार कराया, आज जो हमारे मिशन के सतगुरु है माता सुदीक्षा जी महाराज है, तो उनके चरणों में दास कोटि कोटि धन्यवाद करता है और धन निरंकार भी कहता है। क्यों, दास को आज ऐसा मौका आप के माध्यम से ये वीडियो के माध्यम से कुछ बोलने को मिला है, दास जो भी कहेगा कुछ अपना तो नहीं है, जो भी सीखा है सतगुरु के चरणों में सीखा है, हो सकता है बोलने में त्रुटि रह जाए तो दास को माफ़ भी करना, क्यों दास बच्चा भी है, सीखना तो आप सभी से है। क्यों, जब हम संसार में विचरण करते हैं हम हर एक बच्चे से भी सीखना होता है, ये नहीं कि हम ज्ञानी होते हैं हम जान गए ऐसा कोई नहीं कहता है। क्यों, जो ज्ञानी है असल में वो हमेशा सीखने की भावना ले कि संसार में विचरण करता जी, है बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे मिशन की जो विचारधारा है निरंकारी मिशन जो है कि दास, पहले भी एक वीडियो शूटिंग हुआ था दास उसमें बताया था, कोई धर्म या संस्था ऐसा कुछ नहीं है, निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। और यहाँ जो है सतगुरु जो है कि ये निरंकार प्रभु की ज्ञान देते हैं, ये विशाल निरंकार जो सब जगह में है परमात्मा, हम कहते हैं हम जवान में कहते हैं कि सब जगह में परमात्मा है जो है वर्तमान में, तो वही जो है जो परमात्मा वो सतगुरु हमें साक्षात्कार कराते हैं, ये कहने की मतलब जो ज्ञान देते हैं इसको दर्शन कराते हैं। लोग सभी तो कहते हैं, कोई कहते हैं हे परमात्मा कहाँ है, सब जगह है और कैसा है, निराकार रूप में है, ये सभी कहते हैं, लेकिन जब देखने की बात आता है लोग बोलते हैं कि नहीं देखा जा सकता है, इसको देखा भी जा सकता है, हम जो चीज़ है उसको हम देख सकते हैं। दास दावा के साथ कहता है क्यों, हमारे आज सतगुरु यही काम करते हैं, पहले परमात्मा को दर्शन कराते हैं ज्ञान दे की, फिर इससे भक्ति वहीं से शुरू होता है। बोलते हैं पहले जानो फिर इसको मानो फिर एक हो जाओ,
भक्त जब एक अवस्था में जब मानना शुरू करता है, फिर भक्त की अवस्था ऐसा आ जाता है, वो एक हो जाता है, एकमी की अवस्था आ जाता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि पहले जानो, उसके बाद मानो, उसके बाद एक हो जाओ। अच्छा। एक होने की हमारी हाथ में नहीं है, हमारी काम है पहले जानना और मानना, मानते ही जाना जीवन सा भर, जब तक हम जिंदा है तब तक मानते ही जाना, जो सतगुरु की हुकुम आता है तब तक मानते ही जाना, कि निरंकार की रजा में रहना, निरंकार की हर हुकुम को मानना, कभी अपना मनमानी नहीं करना उसमें कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। देखो ये जो भी कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, हो सकता है हमारे लिए थोड़ा कुछ अड़चन हो रहा है, बाकी किसी के लिए भी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। कभी मौसम में बदलाव आता है, कभी और चीज़ों में बदलाव आता है, हो सकता है हमारे लिए बदलाव हमारे लिए हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, क्यों, ये दुनिया में सभी को खाना देता है, निरंकार प्रभु है ना, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी है सबको खाना देता है। बोलते हैं कि जो पत्थर में कीड़ा पैदा करके उसको भी खाना देता है, वो कैसे देता है आप बताइए, पत्थर में कीड़ा है वो घूम फिर भी नहीं सकता है, लेकिन उसके मुंह पे एक घास जो है वो बढ़ता जाता है, वो खाता रहता है उसके अंदर, वो कीड़ा को भी पत्थर में खाना देते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, कहीं किधर भी नहीं जाता, वही बैठ के खाना जो है खाना उसको मिलता है। वो परमात्मा सभी की ध्यान रखता है, वो हमारी सोच संकीर्ण है और परमात्मा की सोच आपको पता है, हम बयान नहीं कर सकते। और सतगुरु जो समय के सतगुरु है, वो पहले से परमात्मा को जानते हैं, तभी वो स्वयं, देखिए आप जितने भी अवतारी पुरुष आए हैं, मतलब समय समय पे सब आते हैं, हमारे श्री रामचंद्र जी भी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी भी आए हैं, जितने भी आए हैं अवतारी पुरुष, सभी के गुरु हैं, धर्म जितना भी है, हाँ, सभी के गुरु हैं, गुरु है। कोई गुरु बिना ज्ञान नहीं मिला किसी को भी, वो क्यों गुरु धारण करने के, भगवान रामचंद्र जी आए थे, उनका भी गुरु वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी थे, वो उनको वहाँ से ज्ञान लेना पड़ा, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किए थे, मैं वास्तव में मैं क्या हूँ, मैं दशरथ का बेटा राम हूँ, मतलब बहुत कुछ क्वेश्चन किए थे, बाद में उनको दशरथ महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया था, असल में राम तू जो शरीर बोलता है, बोलते हैं हाँ, उनको उसी समय बोलते फूल को मसलने में, दास पिछला भी वीडियो में बताया था, फूल को मसलने में देर हो सकता है, एक फूल का पंखड़ी लीजिए, उसको मसलने में देर हो सकता है और भगवान को जानने में देर नहीं हो सकता, भगवान दूर थोड़ी है, क्या बात है, भगवान दूर नहीं है हमारे से, भगवान आँख के अंदर भी है बाहर भी है, मतलब दास पहले भी बोला था मछली का स्थिति कैसा है पानी में, मछली बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, हमारे अंदर भी निराकार है बाहर भी निराकार है, हम निराकार के बोलते हैं ना, आप बोलते हैं जो कोई दुकान में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं ना, बोलते हैं कि आप CCTV के दायरे पे है, हाँ आप CCTV के अंडर, हाँ बोलते हैं CCTV आपको वॉच कर रहा है, तो ठीक इसी तरह आप हमेशा इसके वाचिंग, इसके जो है निरंकार प्रभु के कैमरा के नज़र पे हम हैं हमेशा है, आठों पहर है, कोई ऐसा वक्त नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन दास हम अपनी बात कहते हैं, कोई बहुत सारे महात्मा हैं वो आठों पहर इसको एहसास, हर सांस में इसका एहसास करते हैं, एहसास देखिए ऐसा चीज़ होता है, रटन देखिए हम कभी माँ जब ना कोई बच्चा अगर धूप में खड़ा होता है तो माँ उसको बुलाती है कि बच्चा तुम आ जाओ कि बहुत तेज़ धूप हो रहा है, धूप का तो देखो धूप का भी एहसास हो है, गर्मी जो है एहसास है लगता है, हाँ हाँ, तो इसलिए माँ जो है कि बच्चा को बोलता है कि धूप में तुमको बहुत तेज़ धूप लग रहा होगा तुम आ जाओ, धूप का एहसास है, अब धूप का कोई कलर बता सकते नहीं, 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 नहीं बता नहीं, सकते ठीक है, इसी तरह अनुभव की बातें हैं, निरंकार को एहसास करने के लिए देखिए हम जितने भी साधारण चक्षु में जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं दुनिया में, कितने भी दास आप कहीं भी जाइए, आपका आँख कितने भी, चाहे भगवान की मूर्ति लीजिए, फोटो लीजिए, मंदिर लीजिए, मस्जिद लीजिए, गिरजाघर लीजिए, जो भी घर आपके घर, ये पेड़ पौधे जितने भी लीजिए, ये सब भगवान की रचाया हुआ माया है, निरंकार प्रभु के रचाया हुआ माया है, और ये एक दिन नष्ट हो जाना है, ये जितने दृश्यमान हैं ये सब माया है, जो आप देख नहीं सकते, जो परम सतगुरु आपको जो नज़रिया देगा उस दृष्टि में, वो दृष्टि है दिव्य दृष्टि, आपके अंदर छिपा हुआ है, जब सतगुरु ज्ञान देता है तो आपका जो है दिव्य दृष्टि सतगुरु ही खोलता है, आप जैसे जैसे सतगुरु के हुक्म को मानते जाते हैं आपकी दृष्टि ओपन होता है दिव्य दृष्टि, उसमें आप निरंकार प्रभु का एहसास करते हैं,
आठों पहर एहसास करते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, सतगुरु की कृपा से हम एहसास करते हैं। जो भी वचन आता है, देखिए आपकी ये मनगढ़न नहीं, जो सुनने वाले वो जानते होंगे ये मनगढ़न है। किताब के पढ़ाए हुआ दास कोई किताब नहीं पढ़ा, कभी ग्रंथ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। जब ये मिशन में आया दास को पता चला परमात्मा ये है। जब इनकी सत्संग करते गए, जब निरंकारी मिशन में दास जुड़ा है, उस टाइम दास को कुछ भी पता नहीं था ये निरंकार क्या है। काफ़ी दिन हम सत्संग में जाते रहे, लेकिन सत्संग जरूरी है। संत महात्मा के जो वचन है उनके जीवन का जो प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ता है। क्यों? हम जब कर्म में ढालते हैं, जैसे सेवा सत्संग सिमरण, हम हर सांस में हमें जो है इसका सिमरण करना चाहिए। सिमरण कोई रटन नहीं होता है। आपको पता है राजस्थान में सब औरतें जो है पानी लेने जाते हैं, एक मटका के ऊपर दूसरा मुटा, तीसरा मटका, ऐसे ऐसे ना चौथा, एकदम चार पांच मटका में पानी लेके आते हैं बैलेंस के साथ। और वो आपस में आते हैं, बातें भी करते हैं, हंसी मजाक भी होता है। सहेलियां जब आते हैं आपस में, घर की बात भी होती रहती है, लेकिन मटका कभी गिरता है आप देखें? लेकिन उनका मटका में ध्यान है, कभी नहीं गिरता। उनका जो कंसंट्रेशन है ऐसा, हाँ, उनका काम बातें चलता है, सब कुछ है, कुछ भी, हाँ, हो, कुछ भी हो, हाँ। लेकिन उनका ध्यान है मटके में। ठीक इसी तरह आप संसार में रहते हैं, हर कार्य करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका एहसास जो है निरंकार में, क्यों आपको ये महसूस होता है मैं निरंकार के अंदर हूँ? आपको महसूस होना चाहिए, निरंकार तो आपके अंदर है ही है, ये तो पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहता ही है, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए मैं निरंकार प्रभु के अंदर हूँ, मैं परमात्मा के अंदर हूँ, आपको एहसास होना चाहिए।